अनुप्रिया के पति को क्या हो गया? ऐसा गुस्सा, इतना गुस्सा शायद ही किसी ने उनके चेहरे पर देखा होगा। योगी के मंत्री आशीष पटेल को आखिर क्या हुआ? छात्र ने जब स्कॉलर पर सवाल किया तो आशीष थमथमा गए। एक छात्र वीडियो बना रहा था, सवाल पूछ रहा था, आशीष ने पूछा क्या नाम है? विवेक यादव है। फिर जो हुआ देखेंगे तो हैरान होंगे। मिर्जापुर में फीस वृद्धि और स्कॉलरशिप की समस्या को लेकर छात्र अनुप्रिया पटेल के जनसंपर्क कार्यालय आए। छात्रों की समस्या को सुनने के लिए कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल गेट के बाहर पहुंचे थे। मंत्री जी ने पहले छात्रों से सवाल पूछा और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने लगे। इसी बीच जब छात्र ने उनसे मुद्दे पर बात करने को लेकर कहा तो मंत्री जी तिलमिला गए। तिलमिलाए मंत्री ने छात्र का फोन छीन लिया। छात्र ने कहा कि फोन छीनने के बाद मंत्री ने बहुत जलील किया। उस छात्र का नाम विवेक यादव है। क्या यादव होने के चलते मंत्री आशीष पटेल ने उसे फटकारा? हम लड़ेंगे सर। क्या नाम है बेटा? सूरज मौर्या। सूरज, ठीक। और कौन लड़ेगा? कोई नहीं, चंदू सर। चुनाव को थोड़ी सर। क्या नाम? चुनाव हो ही नहीं रहा सर। चुनाव की बात क्या करें? आप मुझे उतनी देर से डायरेक्ट कर रहे हैं, गलत बात है। कभी इतना जो है ना, मेरा मुंह खुलेगा तो फिर आपको खराब लगेगा। नहीं नहीं, आप उतनी देर से डायरेक्ट कर रहे हैं कि इस पे बात करिए, उससे मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ, आपको दिक्कत है? नहीं नहीं, उतनी देर से आप डायरेक्ट कर रहे हैं, गलत। ये अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग। भरूहना इलाके में मौजूद स्थित केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के जनसंपर्क कार्यालय पर छात्रों का आना क्या गुनाह हो गया? ये सारे छात्र जीडी बिनानी पीजी कॉलेज के हैं। स्कॉलरशिप और फीस वृद्धि की समस्या का समाधान चाहते थे। इन्हें मिलना था अनुप्रिया पटेल से, संपर्क हो गया आशीष पटेल से। सीएम योगी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल उनकी समस्या को सुनने के लिए आए। पहले उन्होंने छात्रों से गोल मटोल बातचीत की। बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि अगर चुनाव हुआ तो इसमें से कौन कौन लड़ेगा। इसी बीच छात्र ने कहा कि चुनाव की बात छोड़िए सर, मुद्दे की बात करिए। छात्र के सवाल के बाद मंत्री ने छात्र से नाम पूछा। नाम पूछने के बाद मंत्री ने कहा कि यादव जी कुछ बोल देंगे तो जलेंगे आप, छनछना जाएंगे आप। आप उतनी देर से डायरेक्ट कर रहे हैं, गलत बात है। अभी मेरा मुंह खुलेगा तो खराब लगेगा। छात्र ने कहा कि हम गलत क्या कह रहे हैं, तो मंत्री जी ने कहा कि आप इतनी देर से डायरेक्ट कर रहे हैं, इस बात पर करूं, मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूं, आपको दिक्कत है, आप डायरेक्ट कर रहे हैं। इसी के बाद मंत्री ने फोन छीन लिया और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने छात्रों को वापस भेज दिया। हम लड़ेंगे सर। क्या नाम है बेटा? सूरज मौर्या। सूरज, ठीक। और कौन लड़ेगा? कोई नहीं, चंदू सर। चुनाव को क्या नाम? चुनाव हो ही नहीं रहा सर। चुनाव की बात क्या करें? आप मुझे उतनी देर से डायरेक्ट कर रहे हैं, गलत बात है। कभी इतना जो है ना, मेरा मुंह खुलेगा तो फिर आपको खराब लगेगा। नहीं नहीं, आप उतनी देर से डायरेक्ट कर रहे हैं कि इस पे बात करिए, उससे मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ, आपको दिक्कत है? नहीं नहीं, उतनी देर से आप डायरेक्ट कर रहे हैं, गलत। ये अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग। जीडी बिनानी पीजी कॉलेज के बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र विवेक यादव ने बताया कि दो वर्षों से स्कॉलरशिप नहीं आई है। हम सभी छात्र मिलकर अनुप्रिया पटेल के कार्यालय पर गए हुए थे। मंत्री से हमारी बात हुई। मंत्री जी स्कॉलरशिप के बारे में बात नहीं कर रहे थे, अपनी सरकार के बारे में बात कर रहे थे। इस पर मंत्री जी ने जलील करते हुए फोन भी छीन लिया और हम लोगों को वहां से भगा दिया। सभी छात्र छात्राएं वापस चले आए। मंत्री ने हमें बहुत अपमानित किया। हम लड़ेंगे सर। क्या नाम है बेटा? सूरज मौर्या। सूरज, ठीक। और कौन लड़ेगा? कोई नहीं, चंदू सर। चुनाव को क्या नाम? चुनाव तो हो ही नहीं रहा सर। चुनाव की बात क्या करें? जाएंगे आप मुझे उतनी देर से डायरेक्ट कर रहे हैं, गलत बात है। कभी इतना जो है ना, मेरा मुंह खुलेगा तो फिर आपको खराब लगेगा। नहीं नहीं, आप उतनी देर से डायरेक्ट कर रहे हैं कि इस पे बात करिए, उससे मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ, आपको दिक्कत है?
नहीं उतनी देर से आता है गलत, ये अच्छी बात है रिकॉर्डिंग।